आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आभा कार्ड कैसे बनाया जाता है। आभा कार्ड वर्तमान समय में सरकार की चल रही मेडिकल संबंधित योजनाओं के अंदर मांगा जाता है। आभा कार्ड के अंदर आपका जो भी मेडिकल संबंधित रिकॉर्ड होता है वह सेव रहता है, जो कि आप किसी भी हॉस्पिटल के साथ शेयर करके अपना इलाज करवा सकते हो। तो आभा कार्ड बनवाना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को आभा कार्ड बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन आभा कार्ड बनाना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से आभा कार्ड बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल से आभा कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर किसी भी एक सर्च बार को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर, गूगल, किसी भी एक सर्च बार को ओपन कर लेना है। सर्च बार को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करना है abha.abdm.gov.in। यहाँ पे ये सर्च करना है। और दोस्तों, इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। अब दोस्तों, इस तरह से ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल की स्क्रीन पे न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको आभा कार्ड बनाने के लिए क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सामने दो ऑप्शन मिलेगा आभा कार्ड बनाने के लिए। आपका आधार कार्ड से भी बना सकते हो और आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उससे भी आप आभा कार्ड बना सकते हो। तो मैं अभी आधार कार्ड से आभा कार्ड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे क्लिक करना है। आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आधार नंबर। दोस्तों, आधार नंबर के अंदर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। और दोस्तों, कार्ड नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल करना है। बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये कैप्चा है, जो कैप्चा यहाँ पे आपको इंटर आंसर के अंदर डालना है। तो दोस्तों, आपका कैप्चा प्लस में है तो आपको जोड़ना है, माइनस में है तो यहाँ पे आपको घटाना है। बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा इंटर करना है। और दोस्तों, आपको कैप्चा चेंज करना है तो यहाँ पे रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करके आप कैप्चा चेंज भी कर सकते हो। और बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी आधार कार्ड नंबर इंटर करना है यहाँ पे, बाद में आई एग्री पे टिक करना है। बाद में आपका जो भी कैप्चा बने यहाँ पे इंटर करना है। बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। यहाँ पे आपको OTP इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद में आपका जो भी आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको इंटर करना है। और दोस्तों, आपको तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ सेकंड लेगा। बाद में इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में ये लोडिंग लेगा, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका एक OTP आएगा। OTP इंटर करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये समय चल रहा है, सेकंड का ध्यान रखना है। इस सेकंड के टाइम के अंदर अंदर आपको ये प्रोसेस करनी होगी। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। OTP इंटर करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे आपको तो आप देख सकते हो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे आपका जो भी आभा कार्ड है ये बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, आपके आभा कार्ड के अंदर जो आपके आधार कार्ड है उसके अंदर जो फोटो है वही सेम फोटो यहाँ पे आ जाएगी। और दोस्तों, आपको आभा कार्ड के अंदर कुछ भी चेंज करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपको जो भी कुछ चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो आपको अपनी फोटो को चेंज करना है तो वाले आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जिस भी फोटो को आभा कार्ड के अंदर सेट करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने आभा कार्ड के अंदर फोटो भी चेंज कर सकते हो और जो भी कुछ भी डिटेल आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस आपको करनी होगी।
दोस्तों यहाँ पे आपको आभा कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में आपका आभा कार्ड गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना आभा कार्ड बना सकते हो। आभा कार्ड बनाने के बाद में आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी होगी एक आभा कार्ड बनाने के लिए। और दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।